इस आशिक के सामने फेल हो गए मजनू और शाहजहां। गर्लफ्रेंड को पास करवाने के लिए प्रेमी ने करवा लिया लिंग परिवर्तन। जब पकड़ी गई चोरी तो युवक के परिजन रह गए हैरान। जिस बेटे को दूल्हा बनाने का देख रहे थे सपना, वो लड़की के चक्कर में बन गया दुल्हन। होठों पर लिपस्टिक और सलवार कुर्ता पहनकर जब ये लड़का गर्लफ्रेंड की जगह परीक्षा देने पहुंचा तो फिर देखने वाले भी रह गए अवाक। चाल तो ऐसी मदमस्त थी कि शिक्षक भी निहारते रह गए। शाहजहां ने प्यार किया तो ताजमहल बनवा दिया, मजनू ने प्यार किया तो जमाने भर के पत्थर खाए। लेकिन जिस प्रेमी की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, वो प्यार में लिंग परिवर्तन कर बैठा और लड़के से लड़की बन गया। लेकिन ये भूल गया कि अगर चोरी पकड़ी गई तो फिर क्या होगा। ये लड़का गर्लफ्रेंड के प्यार में ऐसा पागल हुआ कि उसको परीक्षा में पास करवाने के लिए खुद लड़की बन गया। जब इसकी चोरी पकड़ी गई और जब लड़के के घर वालों को पता चला तो फिर सब दंग रह गए। घर वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि अब बेटे की इस हरकत पर वो कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि अब चर्चाओं का बाजार गर्म है और जो भी इस घटना के बारे में सुनता है वो बस यही सोचने पर मजबूर हो जाता है कि प्यार की खातिर लोग किस हद तक गुजर जाते हैं। ये मामला पंजाब के फरीदकोट जिले से सामने आया है। अपनी गर्लफ्रेंड को पास करवाने के लिए एक युवक ने न सिर्फ सलवार सूट पहना बल्कि चेहरे पर लाली लिपस्टिक लगाकर पहुंच गया। आश्चर्य की बात तो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे कोई पहचान नहीं पाया। लेकिन जब फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो युवक की असलियत खुलकर सामने आ गई। जानकारी के अनुसार फरीदकोट जिले के कोटकपुरा गांव में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के द्वारा कोटकपुरा के डीएवी पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में अपनी गर्लफ्रेंड की जगह खुद बॉयफ्रेंड परीक्षा देने पहुंच गया। हालांकि वो परीक्षा देने से पहले ही पकड़ा गया, क्योंकि परीक्षा दल को उसकी संदिग्ध गतिविधि के कारण शंका हो गई थी। इसके बाद जब उसके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए तो शक यकीन में बदल गया। ये परीक्षा परमजीत कौर को देनी थी, लेकिन उसकी जगह उसका प्रेमी अंग्रेज सिंह परीक्षा देने पहुंच गया। उसने अपनी शक्ल भी पूरी तरह परमजीत जैसी ही बना ली थी। आम इंसान भी उसे मुश्किल से पहचान पाता। ऐसे में किसी तरह यूनिवर्सिटी स्टाफ को पता चल गया तो उन्होंने सच्चाई सामने लाने के लिए फिंगरप्रिंट भी टेस्ट किए, जिसमें आरोपी पकड़ा गया। इस मामले में यूनिवर्सिटी स्टाफ के द्वारा तत्काल शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इस प्रकार फर्जी तरीके से एग्जाम देने पहुंचे युवक की जानकारी मिलने पर यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। अगर जरा सी चूक हो जाती तो निश्चित ही वो युवक परीक्षा देकर चला जाता। चूंकि कई परीक्षाओं में एक साथ हजारों स्टूडेंट बैठते हैं, ऐसे में एक एक स्टूडेंट की बारीकी से जांच करना किसी चुनौती से कम नहीं है। अब ये मामला सुर्खियों में छाया हुआ है और अंग्रेज सिंह के परिवार के लोग शर्म की वजह से किसी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। उनका कहना है कि जो किया वो उनके बेटे ने किया और अब समाज में नजरें मिलाने के लायक वो नहीं बचे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि हम अपने लड़के से किसी भी तरीके का ताल्लुक नहीं रखना चाहते। पुलिस जो भी एक्शन लेगी वो उसका साथ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।